नमस्कार दोस्तों, मैं आशा मिश्रा। फ्रेंड्स, भजिया हो, स्नैक्स हो या फिर गर्मा गर्म समोसे ही ले लीजिए, चटनी के बिना तो इसका टेस्ट ही बिल्कुल बेकार है। तो फ्रेंड्स, मैं आज ऐसी चटनी आपको बता रही हूँ जो आप पूरी, पराठे, किसी भी चीज के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे गैस पे 4 से 5 टमाटर हमने मीडियम साइज के पका लिए हैं और हम इसको इस तरीके से छील लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम आपको छीलने के तरीके बता रहे हैं। अगर हाथ से आप छील सकते हो छीलने, तो इसको चप्पू से भी धीरे धीरे छील के इसके उतार सकते हैं आप। और जो उसका जो बीच का साइड होता है, जहाँ पे डंडी लगी होती है, उस चीज को हम चप्पू से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने जार ले लिया है, इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने टमाटर डाल दिए। ये हम टमाटर ऐसे ही डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर हो गया हमारा। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, हम 8 से 10 लहसुन के कली लिए थे, ये आप देख सकते हैं। हम इसको भी इसमें डाल देंगे। और ये हम यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च लिए थे, आप इसको भी डाल दीजिए इसमें। ये हमने अदरक के टुकड़े ले लिए हैं, आप इसको भी इसमें डाल दीजिए। ये हमने पुदीना पत्ते सुखा करके धूप में और रख लिए थे, हम इसको भी इसमें डाल देंगे। ये हम 1 टेबल स्पून नमक लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, हम इसको भी इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स, किसी भी अचार का मसाला अगर आपके पास हो तो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास तो था, ये जो लाल मिर्च होता है उसका मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, तो हम उसी का यूज किए हैं। ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे। अब हम बंद और इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंडर कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। और इसके साथ अब हम प्याज रखेंगे, इसको जब हमको खाना होगा जब हम इसमें इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर मिक्स करके रखेंगे तो इसमें स्मेल आने लगेगी, तो आप इसको खाने के टाइम पर ही मिक्स करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप चटनी खाइए और चटाके लगाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।